प्रतिशत आदमी ब्राह्मणवादी है, अभी भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही, उसके ऊपर अमल है क्या? हम ही खुद उनको बुलाते हैं, अरे हम विचार बदले, अपना विचार नहीं बदलेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। आज जो सत्ता में आता है रिजर्वेशन के हिसाब से, उसकी पोजीशन ये है कि वो गुलाम होता है उस पार्टी का, और वो गुलाम जो है हमारे लिए क्या काम करेगा? उसका कहना है ही एमपी बनने का, एमपी की बात कहता हूँ मैं, ये वो कहता है कि मेरे को समाज ने क्या दिया, इस पार्टी ने मुझे कम से कम पार्लियामेंट में तो भेज दिया, तो पार्टी की जीत करता है, समाज को नहीं देखता। रिजर्वेशन का आदमी बन के रिजर्वेशन वाले को वहाँ पे घुसने नहीं देते, उसके उसे समय नहीं मिलता उसको बात करने के लिए, तो क्यों वो गुर्गे गुर्गे जो है उनके चमचा चमचा बन के वो रहता है। अगर वो चमचा बन के नहीं रहेगा दूसरे को ले लेंगे, अरे बनेगा तो हमारा ही वो, लेकिन हमारे अंदर इतना वो है भेदभाव के कंपटीशन में लगे हुए हैं। बहन जी ने कहा पैसे वाला ही आता है उसमें, बस उसी का तो होता है, किसी गरीब आदमी रुकना नहीं चाहता, लेकिन हॉल की सीमा है और हमारे को अभी फ्यूचर में क्या कार्यक्रम करना है, आगे हम इस प्रोग्राम कैसे लिए जाना है वो भी सब डिस्कस करना है। हाँ सर ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, मुझे और मैं जो भी आने वाले वक्त है उनको बताना चाहता हूँ कि हमारा एक महत्वपूर्ण काम जो इस सेशन में हमको करना था कि आगे की प्लानिंग जो करनी थी वो अभी हमारा बचा हुआ है। तो मुझे अच्छा लगा कि जो हम दलित और ये ओबीसी वाले जो बैठे हैं इनके अंदर अगर एकता आए और हम समाज में जाके अपने प्यार से मोहब्बत से इस बात को फैलाएं, समाज में बदलने की ज़रूरत है, नेतागिरी की तरफ कम ध्यान दें, हम समाज को बदले हमारा क्या दायित्व तो बनता है। मैं ज़्यादा न बोलते हुए आपका धन्यवाद करता हूँ, मुझे टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जय भीम जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।